नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे के दौरान आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में कोई ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें, 02-2300-1634, 02-2300-1635। और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं कि क्रूड का मार्केट एक बार फिर से तेज हुआ है और आज सुबह 11:30 बजे हमारे जो एक्सपर्ट थे उन्होंने आपको ये बताया था कि कच्चे तेल की कीमतों में तेज़ी बढ़ सकती है और वो तेज़ी अब बढ़ती हुई दिख रही है। 4078 का लेवल अभी दिख रहा है, 57 रुपये की मजबूती है MCX पर कच्चे तेल में। हमारे साथ आज इस पर बातचीत के लिए दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं जतिन त्रिवेदी हैं बोनांजा पोर्टफोलियो के, और साथ ही अर्पित चांदना हैं कार्बी कॉम्ट्रेड के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे जानना चाहता हूं जतिन, मेरा पहला सवाल आपसे ही होगा कि क्रूड में जो अभी हम तेजी देख रहे हैं, 4080 के आसपास भाव पहुंचा है, क्या इस लेवल पर कुछ बाइंग की अपॉर्चुनिटी है या फिर इस लेवल पर बाइंग अवॉइड करनी चाहिए? थोड़ा नीचे आए तब लें, क्या करें? जी राइटली सेड, थोड़ा नीचे आता है तब बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। थोड़ा नीचे का मतलब ये मैं ये बोलूंगा कि 0.5% की अगर गिरावट मिलती है तो ज्यादा डाउनफॉल ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हम, क्योंकि दो फैक्टर्स हैं। सबसे बड़ा जो मेन फैक्टर है वो है आज जो इन्वेंट्री नंबर्स जो एक्सपेक्टेड हैं जो नेगेटिव में आ सकते हैं। कंपैरेटिवली हम देखने जाएं तो लास्ट दो हफ्ते से जब भी इन्वेंट्री नंबर्स आ रही है तब रिएक्शन जो है वो डल रहता है, लेकिन पॉजिटिव आ रही थी इन्वेंट्रीज और आज जो एक्सपेक्टेड इन्वेंट्री है वो ऑलरेडी नेगेटिव है। तो उसके सामने अगर और नेगेटिव नंबर्स अगर आ जाते हैं तो डेफिनेटली क्रूड के प्राइसेस एक शॉर्ट अप कर सकते हैं, स्पाइक दे सकते हैं अपसाइड में। और सेकेंड जो पॉसिबिलिटीज है जहाँ पर हम देख रहे हैं कि US और चाइना के बीच में कहीं ना कहीं थोड़े पॉजिटिव संकेत बन रहे हैं, टैरिफ्स को लेकर के कुछ अपडेट्स आने की सिचुएशंस बन रही है एक दो हफ्ते के अंदर, तो यहाँ पर फिर से डिमांड साइकिल जो है कहीं ना कहीं पिकअप ले सकता है बिकॉज बिजनेस रिलेशन जो है वो अच्छे हो सकते हैं US चाइना के बीच में। तो इन फैक्टर्स के पीछे कच्चा तेल जो है डेफिनेटली एक स्पाइक दे रहा है, एक अच्छी मोमेंटम दिखा रहा है। हालांकि ब्रेंट और WTI दोनों ही एक लेवल्स पे आकर ट्रेड करना शुरू कर चुके हैं, जहाँ पे 60 का लेवल जो ब्रेंट ने पार कर दिया है और 55-56 के ऊपर WTI भी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। उसी के सामने हमारे घरेलू बाजार में भी 4000 के ऊपर एक स्टेबल मैनर में ट्रेड कर रहा है, तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी मेंटेन करने कहूंगा मैं हर एक ट्रेडर्स के लिए। बाय ऑन डिप्स, ओके ठीक है। ये क्रूड पर आपके लिए राय है कि आगे क्रूड में होगा क्या और किस तरह का ट्रेड आप कच्चे तेल में कर सकते हैं? महीने भर में क्रूड का भाव क्या हो सकता है ये आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल कमोडिटी का मानना है कि आपको 4350 का लेवल दिखेगा। बोनांजा पोर्टफोलियो एक महीने के लिए 4250 का टारगेट दे रहा है। केडिया कमोडिटी का मानना है कि 4200 का लेवल तो दिख ही जाएगा। SMC कॉम्प्रेट का टारगेट है 4250 का। पैराडाइम का टारगेट है ब्रेंट में $64 का। ग्लोब कैपिटल MCX पर 3650। ग्लोब को लगता है कि दाम नीचे आएंगे, लेकिन निर्मल बैंक का मानना है कि 3900 का लेवल आपको दिख जाएगा। अर्पित, आपका क्या व्यू है? थोड़ा सा अगर लंबा नजरिया रखें एक महीने तक का, तो आपके हिसाब से क्रूड में क्या करें? जी मृत्युंजय जी, देखिए जिस हिसाब से अभी एक मार्केट का जो डायनामिक है, फोकस जो है डिमांड साइड पे शिफ्ट हुआ था, वो वापस कहीं ना कहीं एक सप्लाई साइड की तरफ एक आता दिख रहा है। जिस तरीके से सऊदी अरेबिया का भी एक्सपोर्ट पिछले महीने में घटा है और कहीं ना कहीं मार्केट में एक ट्रेड वॉर को लेके भी एक पॉजिटिव ऑप्टिमिज्म है कि शायद वो रिजॉल्व हो, तो आई थिंक क्रूड के लिए वो एक पॉजिटिव मोमेंटम ही बिल्ड करेगा और महीने के आखिर तक 4200 तक का टारगेट हम MCX में क्रूड के भाव को देख सकते हैं। 4200 का टारगेट आप देख रहे हैं क्रूड में और ये आपका आउटलुक है, तो ऐसे में आपको भी लगता है कि कच्चे तेल में अभी तेजी देखने को मिल सकती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं गोल्ड की। गोल्ड का मार्केट अभी आपको जतिन कैसा दिख रहा है? आज तो करेक्शन 126 रुपए का, 37,900 के नीचे है। क्या किया जाए? मार्केट अभी और करेक्ट होगा, क्या करना चाहिए अभी? मृत्युंजय जी, गोल्ड का जो मार्केट है फिलहाल एक हम देख रहे थे पिछले कुछ दिनों से स्पॉट के पीछे चल रहा था, एक इंडिविजुअल रैली चल रही थी गोल्ड के अंदर, बट हाल फिलहाल जो एक दो दिन से हम देख रहे हैं जो डेवलपमेंट्स हैं गोल्ड के अंदर वो कहीं ना कहीं एक माइनर प्रॉफिट बुकिंग की रैलीज है डाउन साइड में। ये कोई हैवी सेलिंग नहीं है, ना ही कोई शॉर्ट बिल्टअप है, और जो हमारे घरेलू बाजार में जो हम गोल्ड की सेलिंग देख रहे हैं
वो दैट इज ऑन बिकॉज ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ रुपी के अंदर जो रुपए के अंदर जो तेजी बन रही है. पिछले दो दिन में हम देख रहे हैं कि रुपए के अंदर थोड़ी मजबूती बढ़ती हुई दिख रही है. डॉलर जो है वो कहीं ना कहीं कमजोर है थोड़ा सा, जहाँ पर 71.70-71.80 के आसपास से रुपए ने थोड़ा स्ट्रेंथ पकड़ना शुरू कर दिया है. वहाँ से आकर USD/INR ने थोड़ा सा पलट दिया है वहाँ से सिचुएशन जो है वो, तो उसी के कारण गोल्ड हमें घरेलू बाजार में थोड़ा करेक्टिव मूव दिखा रहा है. बट ये कुछ ज़्यादा लिविड नहीं लग रहा हुआ दिख रहा हमें, बिकॉज लॉन्ग पोजिशन अभी भी इंटैक्ट लग रही है. ओवरऑल अगर ब्रॉड ट्रेंड देखें गोल्ड का तो इंटैक्ट है. हमारे घरेलू बाजार में मैं एक लेवल इंपॉर्टेंट देना चाहूँगा कि जहाँ पर 37,400-37,500 के लेवल्स जो हैं वो एक सपोर्ट प्ले करते हुए आएंगे आगे चलते हुए इमीडिएट टर्म्स में. और ऊपर में 38,150 ये जो एक लेवल है वो रेजिस्टेंस प्ले करेगा. सो ये रेंज बाउंड ट्रेंड है. अभी मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा शॉर्ट सेलिंग होगी, रेंज बाउंड ट्रेड है. 38,100-150 के पास रेजिस्टेंस है और 37,500-400 के पास सपोर्ट्स है. ठीक है, ये रहा आपके लिए गोल्ड पर है कि आपको गोल्ड में भी क्या करना है. 119 रुपए की कमजोरी MCX पर गोल्ड में दिख रही है, 37,885 का लेवल. ओके, सिल्वर को लेकर के अर्पित आपका क्या आउटलुक है आज शाम के लिए? चांदी का मार्केट आपको कैसा दिख रहा है? 325 रुपए नीचे है MCX पर चांदी, 43,600 के आसपास, क्या करें? मृत्युंजय जी, जिस हिसाब से बुलियन सेक्टर में आउट परफॉर्मेंस रही है और सिल्वर ने आउट परफॉर्म करा है गोल्ड को, तो मेरा मानना है कि ये ट्रेंड अभी तेजी की तरफ ही रहेगा, इसका रुझान तेजी की तरफ ही रहेगा. और फिलहाल में आज शाम के लिए 44,000 तक का टारगेट है जो कि हम देख सकते हैं. FOMC की मिनट्स भी ड्यू है और एक्सपेक्टेशन है कि फेड जो है इंटरेस्ट रेट सितंबर में लोअर करेगा, तो वो ओवरऑल बुलियन काउंटर के लिए तेजी का ही कारण रहेगा. चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब. पहला सवाल है कैलाश का विजयनगर से, पूछिए कैलाश. हाँ सर, मैं पूछ रहा हूँ अक्टूबर चने में अभी बाइंग कर सकते हैं? अक्टूबर चने में क्या बाइंग कर सकते हैं ये आप जानना चाहते हैं. और अभी चने का भाव है 4219 के लेवल पे, 42 रुपए की कमजोरी अभी दिख रही है, क्या आउटलुक है आपका चने पर? चने का जो अभी फिलहाल जो डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं एक बेसिंग रेंज है, जहाँ पर ऊपर में 4300 के लेवल्स जो रेजिस्टेंस प्ले कर रहे हैं और नीचे में 4150-4160 के लेवल्स जो सपोर्ट है, तो एक रेंज बाउंड ट्रेड है. जब तक ये रेंज बाउंड के ट्रेड से बाहर नहीं निकलता तब तक एडवाइस करूंगा कि थोड़ा वेट एंड वॉच कर लीजिए. जी बिजनेस की कमोडिटी शोज लाइव डेफिनेटली देखा कीजिए, वहाँ पे आपको अपडेट मिल जाएगी कि चने के अंदर कोई डेवलपमेंट बन रही होगी, तो डेफिनेटली वहाँ पे एक व्यू मिल जाएगा कि बाय करना चाहिए सेल करना चाहिए. और दूसरा सवाल आई थिंक क्रूड पे था, तो क्रूड डेफिनेटली तेजी करना चाहिए. यहाँ पे डेवलपमेंट थोड़ी पॉजिटिव हैं, संकेत जो आज का स्पेशली मैं बोलूंगा कि शाम को जो इन्वेंट्री नंबर है वो काफी वीक आने वाली है, तो उसके चलते हुए मैं बाय पिक दूंगा क्रूड के अंदर. ओके, तो आपको लगता है 4120 के टारगेट के लिए 4055 पर आप क्रूड खरीद सकते हैं. संजीव हैं, अगला सवाल संजीव का है, संभल से जुड़ रहे हैं हमारे साथ, पूछिए संजीव. नमस्ते सर जी. नमस्कार, पूछिए. सर मेरा क्रूड पे सवाल है, कल मैंने 3970 में दो लॉट क्रूड के बाय किए थे. 3970 में दो लॉट क्रूड के आपने बाय किए थे जी, तो उसमें सर प्रॉफिट बुक करना चाहिए या रुकना? आपको चाहिए? बहुत बहुत बधाई, आपने सही ट्रेड किया. अर्पित, क्या प्रॉफिट बुक कर लें या कुछ और तेजी की गुंजाइश आप देख रहे हैं और इनको आपको लगता है कि वेट करना चाहिए अभी? मृत्युंजय जी, आज जिस हिसाब से इन्वेंट्री का डेटा है और उसकी एक्सपेक्टेशन भी पॉजिटिव मोमेंटम की है, तो इनके लिए मेरी सलाह यही रहेगी कि अगर मल्टीपल लॉट्स है तो हाफ ऑफ द क्वांटिटी 50% बुक कर चले और रेस्ट में स्टॉप लॉस ट्रेड कर लें, क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट का आउटलुक है तेजी बरकरार रहेगी, मार्केट में बने रहना चाहिए. ओके, तो आप कह रहे हैं कि तेजी बरकरार रहेगी, मार्केट में बने रहें, लेकिन पार्शियल प्रॉफिट बुक क्या कर लेना चाहिए, आपको क्या लगता है? जी डेफिनेटली, क्यों वेट करें? यस यस, ज्यादा लोभ करना भी ठीक नहीं है. जी जी जी, मतलब हमारे जो टारगेट्स हैं वो काफी एक महीने के लिए हैं, तो जरूरी नहीं है कि आज ही एक साथ बहुत बड़ा उछाल मिल जाए इन्वेंट्रीज के पीछे, बिकॉज ब्रॉड ट्रेंड जो है फिलहाल बेसिंग रेंज का है. कहीं ना कहीं अगर प्रॉफिट्स मिल रहा है तो डेफिनेटली बुक करना चाहिए, जो सामने हाथ में पैसा मिल रहा है डेफिनेटली बुक कीजिए. बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी मेंटेन रखिए, मगर फिर से अगर पोजीशन बने या नहीं तो डिप्स के लिए वेट कीजिए, फिर से एंट्री पॉइंट्स मिलेंगे वहां पे बाय कीजिए. टारगेट्स जो है मेंटेन है अराउंड 4200 के आगे चलते हुए. ठीक है, मनीष हैं हमारे साथ राजस्थान से, पूछिए मनीष. नमस्कार, पूछिए. सर मैं अभी इसके सिल्वर पे देखना चाह रहा था, इसमें अभी इन्वेस्ट करने का टाइम है या नहीं? सर
सिल्वर में अभी इन्वेस्टमेंट का टाइम है या नहीं है? अर्पित, क्या लगता है आपको निवेश के लिहाज से चांदी का भाव कैसा है? मृत्युंजय जी, चांदी का काउंटर एक बहुत ही अच्छे रिटर्न दिया है अभी तक प्रीवियसली भी। आई थिंक एक अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का आउटलुक देखे तो उसके लिए अभी एक करेक्ट टाइम नहीं होगा एंट्री का, क्योंकि लिमिटेड अपसाइड एक बार अभी फिलहाल दिख रहा है जब तक एक कंफर्म सिग्नल प्राइसेस नहीं देते। तो फिलहाल के लिए मोमेंटम तेजी का है, डिप मिलता है लगभग 550-600 के भाव पर तो बाय करके चल सकते हैं। 300 से 400 रुपए तक का टारगेट रहेगा और डाउन साइड में भी 4300-400 का एक सपोर्ट लेवल है, उसको स्टॉप लॉस लगा के बने रह सकते हैं बाजार। ठीक है, ये राय चांदी पर है, 43611 ये लेवल है अभी एमसीएक्स पर चांदी का, इस पर आप नजर रखिए। चलिए वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद भी सवाल और जवाब जारी है। अपने सवाल आप तैयार रखिए, हमारे साथ दोनों एक्सपर्ट बने हुए हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए, और आप जान सकते हैं कि आपने जो ट्रेड किया है उस ट्रेड का भी क्या करना है, नया ट्रेड आप कहां पर कर सकते हैं। नंबर आप एक बार फिर से नोट कर लें, 0222300-1634, 0222300-1635। अरुण है हमारे साथ हिसार से, पूछिए अरुण। हाँ, मैं सिल्वर पे आउटलुक जानना चाहता था हफ्ते 10 दिन के लिए। हफ्ते 10 दिन के लिए आप सिल्वर पर आउटलुक जानना चाहते हैं, 10 दिन के लिए क्या आउटलुक है आपका? अगर हफ्ते 10 दिन के लिए अगर वेट एंड वॉच कर सकते हैं तो थोड़ा वेट कर लीजिए, 43,300 के आसपास या 43,000 का रेट भी अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात रहेगी, वहाँ पे बाय पोजीशन क्रिएट करना चाहिए, बिकॉज थोड़ा ओवरबॉट पोजीशन है यहाँ पे सिल्वर में, फिर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी वहाँ पर लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करने के लिए। ऊपर में टारगेट जो है वो 44,500 के लिए एम कर सकते हैं, जो स्टॉप लॉस रहेगा आपका 42,500 के नीचे रहेगा। नेक्स्ट दीपक है इंदौर से, पूछिए दीपक। सर मेरा सवाल चने पर है सर, चने में तो बाजार में बहुत मंदी आ गई, आयर में मंडी में तो बहुत मंदा सर, एक दो महीने में क्या बाजार कुछ बढ़ने की चांसेस है? एक दो महीने में क्या कुछ संभावना आपको दिख रही है अर्पित चने में तेजी की? मृत्युंजय जी, जिस हिसाब से अभी मार्केट का एक मोमेंटम है और नाफेड का भी स्टॉक मार्केट में एक रिलीज हुआ है तो उसके चलते ही सेलिंग प्रेशर है। मेरा मानना है कि अभी एक डाउनसाइड में 4230 के आसपास, 30 के आसपास मार्केट को एक सपोर्ट लेना चाहिए, वहां से फिर वापस एक पुल बैक आ सकता है, बट एक अपसाइड लिमिटेड रहेगी, 4285-4290 तक का ये भाव है जो कि हम देख पा रहे हैं अगर लॉन्ग टर्म में बात करी जाए। फिलहाल इंट्राडे के लिए सेलिंग की ही सलाह रहेगी, 4250 के भाव से नीचे में टारगेट 4170 के आसपास का, स्टॉप लॉस लगाएंगे 4285 का। ठीक, तो ये राय आपके लिए है चने पर, और चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और कमोडिटी की बात कर लेते हैं कि वहां पर क्या ट्रेड और क्या ट्रेंड आपको दिखेगा। क्या व्यू आप अर्पित रख रहे हैं मेटल में, खास करके जिंक और लेड के ऊपर? मृत्युंजय जी, जिंक के लिए जिस हिसाब से लंदन मेटल एक्सचेंज की अगर इन्वेंट्री लेवल्स को मॉनिटर करा जाए तो कहीं ना कहीं वो एक लोअर लेवल पर जा चुकी है। ओवरऑल मेटल सेगमेंट में सेलिंग प्रेशर है हायर लेवल से जो कि ट्रेड वॉर के चलते हैं, बट फिलहाल में एक टेक्निकल पुल बैक जिंक में हम इंटरडे सेशन में देख सकते हैं, स्पेशली इवनिंग सेशन में। सो जिंक के लिए सलाह रहेगी 183.50 के आसपास से बाइंग की जाए, टारगेट प्राइस लिया जाए 186 और स्टॉप लॉस जो है 182.40 का एक मेंटेन करके जा सकते हैं। और जो दूसरा काउंटर है लेड, देखिए लेड एक ऐसा मेटल है जो कि ऑटोमोबाइल सेक्टर से काफी रिलेटेड है और जिस हिसाब से ऑटोमोबाइल्स के नंबर है वो काफी एक नेगेटिव इंपैक्ट शो कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं लेड मार्केट हमेशा डेफिसिट में रही है, इसकी डिमांड ज्यादा रही है तो इसलिए अभी हम इसमें एक बुलिश मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो बाइंग की ही सलाह रहेगी। 154.30 के भाव से बाय कर सकते हैं लेड,
टारगेट जो है लगभग 156 तक का हम इंट्राडे में देख रहे हैं और स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 153.50 रुपए। ठीक है, मनोज हैं आप हमारे साथ नांदेड़ पर, पूछिए मनोज। सर मुत्रंजय सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, पूछिए। सर मेरा एक कहना है सर कि ये जो आप लेते हो प्रोग्राम, ये 8 के बाद भी एक लेना चाहिए सर आपने। इस पर हम लोग काम कर रहे हैं और जल्दी आपको अपडेट मिलेगा। बहरहाल आप सवाल पूछिए, क्या सवाल है आपका? सर एक लीड जो है आज एलएमए में सर 1 से 1.5% बढ़ा था, मगर अपने पास नहीं बढ़ा, ऐसा क्यों? एल्युमिनियम लीड। अच्छा एलएमए में बढ़ा, यहाँ नहीं बढ़ा, क्यों ऐसा हुआ? देखिए रुपए की जो है स्ट्रेंथ है, रुपए ने स्ट्रेंथ पकड़ के रखी थी, तो इसी कारण हम देख सकते हैं कि काफी सारी कमोडिटीज जो मिक्स रिएक्शंस दिखाती है। सो सिर्फ एलएमई के पीछे नहीं चलता है बेस, जो अपना रुपया जो है, जहाँ पे हमें जो भी हम चीजें इन्वेंट करते हैं, इम्पोर्ट करते हैं, तो वो सस्ता भी हो सकता है या महंगा भी हो सकता है रुपए के पीछे। तो सिर्फ और सिर्फ एलएमई के प्राइसेस या सिर्फ और सिर्फ कॉमिक्स के प्राइसेस के पीछे नहीं चलती है, रुपए का मेन फैक्टर रहता है। सो यहाँ पर ये रेंज बाउंड ट्रेड जो है वो लीड के अंदर फॉलो कीजिए। फिलहाल जो डेवलपमेंट्स है 156 के ऊपर के नहीं दिख रहे हैं और नीचे में डाउनसाइड भी लिमिटेड है 153 के। ओके, मृणाल हैं हमारे साथ एमपी से, पूछिए मृणाल। सर मैं बोला था कि अभी मेरे पास सही टाइम है शेयर इन्वेस्ट शेयर में इन्वेस्ट करने का सर। अच्छा कमोडिटी मार्केट में क्या इन्वेस्टमेंट का ये सही वक्त है, क्या लगता है आपको अर्पित? जी बिल्कुल मृत्युंजय जी, हमेशा से कमोडिटी बाजार का रुख जो है वो इन्वेस्टर्स के लिए काफी फ्रेंडली रहा है। सो आई थिंक दिस इज द राइट टाइम टू एंटर द मार्केट्स एंड स्पेशली द बेस मेटल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट में जो एक ऑप्टिमिज्म है ट्रेड वॉर की वजह से वो नेगेटिव है और हायर लेवल्स पे सेलिंग प्रेशर भी बिल्डअप होता दिख रहा है। तो एक एमेच्योर इन्वेस्टर के लिए भी हाई लेवल से सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी अगर अपना के करा जाए ट्रेड, तो मेटल से एक अच्छा इन्वेस्टमेंट और एक एंट्री लेवल अपॉर्चुनिटी दे सकता है। ठीक है, कैलाश चंद्र मोदी हैं सदलपुर से, पूछिए मोदी जी। गुड इवनिंग सर, पूछिए। सर मैंने सिल्वर 43,366 में सेल कर रखी है। 43,366 में आपने सिल्वर बेचा है, क्या किया जाए? एग्जिट का ऑप्शन, एग्जिट का रेट मिल सकता है उन्हें, हालांकि वो बहुत ज्यादा मंदी नहीं दिख रही है, 43,300 के आसपास के लेवल्स मिल सकते हैं वहां पर, तो वहां पर एक बार के लिए एग्जिट कर लेना चाहिए, बिकॉज ओवरऑल ब्रॉड ट्रेंड जो है पॉजिटिव है इंट्राडे पर्सपेक्टिव से या कल के दिन के सिचुएशन के हिसाब से। एक दो दिन में एक भाव जो है वो नीचे की हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं रैली जो है वो, सो यहाँ पर एक प्रॉफिट बुक कर लीजिए कीजिएगा और डेफिनेटली थोड़ा वेट कर लीजिए। अगर सेलिंग करना है तो 44,200 के आसपास सेल कीजिए, क्योंकि वहाँ पर रेजिस्टेंस है, जो सपोर्ट है ओवरऑल वो 43,000 का है, तो इस रेंज को प्ले कीजिए, ना कि बॉटम पे सेल करना और हाई पे बाय करना कीजिए। ठीक है, ये आप नजर रखिए, 43,900 पर बिकवाली की राय, 43,450 का टारगेट, फिलहाल भाव है 43,630 पर। कोमल है हमारे साथ मुंबई से, पूछिए कोमल। गुड इवनिंग सर, मेरा सवाल जिंक पर है सितंबर पे, आज के लिए क्या करना चाहिए सर? सितंबर वायदा में जिंक में क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए अर्पित? मृत्युंजय जी फिलहाल के लिए तो अगर सितंबर का कॉन्ट्रैक्ट देखा जाए तो उसके हिसाब से एक मार्केट में अभी हायर लेवल से सेलिंग ही बनती है। सेलिंग ही इनिशिएट करना जिंक में सही रहेगा। स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 186.20 के आसपास लगा सकते हैं और नीचे में टारगेट जो है 183 का देखेंगे। पवन है अब हमारे साथ चंदोसी से, पूछिए पवन। भाई साहब अगस्त में था 1 तारीख तक कहाँ चला जाएगा, हाई रेंज क्या जा सकता है, ये मुझे चाहिए बस। एक्सपायरी तक क्या देख रहे हैं मेहनता का भाव आप जतिन? जिस तरह से मेहनता का ट्रेडिंग है तो काफ़ी वॉलेटाइल सेशंस दिखाते रहता है, 50-100 रुपए की बढ़त या डाउनफॉल भी तुरंत आ जाती है। सो अगर ये एक्सपायरी की अगर बात कर लें आने वाले 10 हफ्ते भर के लिए, तो कहीं ना कहीं एक रेंज बाउंड ट्रेड लग रहा है, जहां पर 1300 का लेवल जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है
और ऊपर में 1360 1370 का जो रेजिस्टेंस प्ले है, तो ये जब तक ये रेंज के अंदर है तब तक रेंज के लिए अगर ट्रेड करना है तो वहां पे ट्रेड कर सकते हैं, या फिर एक रेंज की ब्रेकआउट की वेट कीजिए, उसके बाद 1450 और 1500 के लेवल्स दिख सकते हैं अगर अपसाइड में 1370 के लेवल क्रॉस कर लेता है तो, और या फिर अगर 1300 के नीचे अगर ट्रेड करना शुरू करता है तो 1250 से लेकर 1230 के रेट्स दिखा सकता है। कुलदीप हैं हमारे साथ रामपुर से, पूछिए कुलदीप। मैंने क्रूड सेल कर रखा है 3980 रुपए में। 3980 पर आपने क्रूड सेल किया है, क्या करें अर्पित? मृत्युंजय जी, इनकी ट्रेड के लिए मेरी एक सलाह रहेगी, अगर ये पोजिशनल बेसिस पे उस ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं तो काफी बड़ा एक स्टॉप लॉस बन रहा है। वैसे तो सलाह रहेगी कि कॉस्ट टू कॉस्ट अगर मार्केट में भाव मिलता है तो एक बार एग्जिट करना बेटर रहेगा। फिलहाल में डाउनसाइड एक 3960 का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है जो कि मार्केट टेस्ट करके वहीं से रिबाउंड लिया है। अभी तो फिलहाल मोमेंटम तेजी का लग रहा है, एक बार कॉस्ट टू कॉस्ट नियर टू कॉस्ट मिलके एग्जिट करना ही सही रहेगा। ठीक है, और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। अर्पित, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। मृत्युंजय जी, मेरी पहली रैपिड फायर कॉल रहेगी एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम में एक सेलिंग का व्यू है, अराउंड 140-30 के लेवल से यहाँ से 40 पैसा ऊपर से बेचकर चल सकते हैं। टारगेट जो रहेगा 138-80 का रहेगा, और स्टॉप लॉस जो है 141.20 रुपए का लगाएंगे। आपकी कॉल। बिकॉज क्रूड के अंदर एक अच्छा मोमेंटम दिख रहा है, जहां पर फंडामेंटली भी थोड़ा सपोर्टिव लग रहा है काउंटर, और टेक्निकली भी एक अच्छी बाउंस और ब्रेकआउट मिल चुकी है उसको, तो क्रूड के अंदर बाय पिक है हमारी। थोड़ा सा डिप मिलता है तब बाय कीजिए, 4055 के लेवल्स हमें अच्छे लग रहे हैं इंट्राडे के लिए, यहां पर बाय कॉल रहेगी। स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 4025 के नीचे का रखिए, और जो टारगेट रहेगा वो 4120 का। आपकी आखिरी कॉल अर्पित। जी मृत्युंजय जी, दूसरी कॉल लगभग मेरी मतलब जिंक में एक रैपिड कॉल रहेगी। इसमें बाइंग की सलाह रहेगी 184 के लेवल से, 184 के लेवल पे बाय करेंगे। टारगेट जो है 186 का देख रहे हैं, और स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 183.30 का। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का बताने के लिए आज कमोडिटी में कहां पर मुनाफा मिलेगा। लेकिन अब आपको बताते हैं कि ब्रेक के बाद हम आपको क्या दिखाने वाले हैं। आजकल बीपी से जुड़ी बीमारियां लोगों में आम है, लेकिन एक सर्वे में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। खुलासा ये है कि करीब 42% लोगों का बीपी ही सही तरीके से जांचा नहीं जाता है। यानी अगर आपका बीपी कम भी है और जांच में ज़्यादा आया है तो दवा तो उसी के मुताबिक खानी होगी। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर इसका समाधान क्या है। इसी पर देखिए आपकी खबर आपका फ़ायदा में हमारी खास पेशकश बीपी की टेस्ट वाली टेंशन शाम 6 बजे और रात 8 बजे। आज एक बड़ी खबर पर हम डिबेट करने जा रहे हैं, और जिस तरह से चिदंबरम पर, पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रहा है, ऐसे में अब चिदंबरम के पास क्या रास्ता बचता है, और इस पर आज एक बड़ी डिबेट रात 8 बजे हम करने जा रहे हैं। और ज़रूर देखिए चिदंबरम पर गिरफ्तारी की तलवार और भ्रष्टाचार पर वार, ये हमारी खास पेशकश है आज रात 8 बजे। छोटा सा ब्रेक, नमस्कार।